दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की बात। रिश्ता नहीं सौदा था। लड़के के पिता ने पंडित जी को एक लड़की देखने को कहा। पंडित जी बोले, हाँ एक लड़की है। अभी कुछ दिनों पहले उसके पिता ने भी एक लड़का देखने को कहा था। एक दिन तय हुआ और शादी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ महीनों बाद लड़का लड़की में आए दिन झगड़ा होने लगा। वह लड़का रोज नशे में घर आता और पत्नी से मारपीट करता। वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता। वहीं बहू भी न सास देखती न ससुर। अपने पति के जाते ही अपने स्कूल के एक मित्र के साथ फोन पर लग जाती और भूल जाती कि वह अब किसी की पत्नी किसी की बहू है। एक दिन उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। गुस्से में आकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़के को पुलिस ले गई। अब दोनों घरों के लोग एक दूसरे को गाली देने लगे, खानदान को गरियाने लगे। मामला कोर्ट पहुंचा। जज साहब ने सभी को उपस्थित रहने को कहा और उस पंडित को भी बुलाने को कहा जिसने रिश्ता करवाया था। पंडित जी आए। वकील से पहले जज साहब ही पूछ बैठे, ये रिश्ता तुमने करवाया था? दोनों घर बर्बाद हो गए। इन लोगों का कहना है कि आपको सब पता था फिर भी। पंडित जी ने कहा, जज साहब ये रिश्ता नहीं सौदा था, क्योंकि लड़की के माता पिता ने कहा लड़का पैसे वाला हो, परिवार छोटा हो, जमीन जायदाद हो और सास ससुर न भी हो तो भी कोई बात नहीं। वहीं लड़के के माँ बाप बोले, लड़की दिखने में सुंदर और खानदान हमारी बराबरी का हो, लड़के को दहेज में गाड़ी मिले, बाकी हमें कोई शिकायत नहीं और मैंने ये सौदा करवा दिया। साहब इसे रिश्ता नाम देकर रिश्ते को अपमानित न करें। अगर इन लोगों को रिश्ता करवाना होता तो लड़की वाले मुझसे कहते कि लड़का बेशक गरीब हो मगर मेहनती हो, भरा पूरा परिवार हो, ऐसा घर हो जहाँ मेरी बेटी हंस कर खिलखिला कर रहे, जिस घर में गाड़ी न हो मगर खुशी और संस्कार हो। वहीं लड़का वाले कहते, बहू बेशक गरीब घर की हो मगर संस्कार हो, जो भरे पूरे परिवार से हो, जो घर को घर बना कर रखे, कुछ न हो देने के लिए मगर बड़ों का अदब और अतिथि का सत्कार हो, बहू धनवान नहीं गुणवान हो, तब कहीं जाकर ये रिश्ता कहलाता। जज साहब, और आजकल तो रिश्ते कम और सौदा अधिक होता है, इनके माता पिता भी बराबर के दोषी हैं। इस तरह के मानसिकता वाले लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। जज साहब सोच में पड़ गए। बोले, पंडित जी आपने मेरे हृदय में भी एक चुभन पैदा कर दी, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को सब कुछ दिया, आज का आधुनिक माहौल भी दिया, मगर संस्कार देने में शायद मैं भी चूक गया। तो दोस्तों आपको आज की बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।